द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए लोकसभा का इतनी बड़ी मुसीबत बन के आएगा, गोदी मीडिया ने इसका बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एहसास ही नहीं होने दिया। इतना छिपाया, इतना लीपापोती की कि आज जब चुनाव शुरू हुआ है, मतदान का पहला चरण हुआ है, बीजेपी की पोल जो कलई है वो उतरती हुई साफ तौर पर बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता सबको दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध है जमीन पर, जिसको छुपाया गया, जिसको दबाया गया, जिसके ऊपर लीपापोती की गई, वो अब साफ तौर के ऊपर सामने दिख रहा है। नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता कहलाने वाले, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रहे हों, जब मोदी जी उनके सामने जी हुजूर कह के आते होंगे, मैंने तस्वीर देखी है, मैंने वीडियो देखे हैं कि मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बैठे होते थे, मोदी जी खड़े होकर अपनी बातचीत करते थे बहुत तमीज से, बहुत ही सम्मान के साथ। और अब नितिन गडकरी जी जैसे नेताओं का क्या हाल हो रहा है कि इतना फर्जीवाड़ा करना पड़ रहा है वहाँ पे कि चुनाव मतदान के दौरान जो पर्ची बांटी जा रही है लोगों को, मतदाताओं को, उस पर्ची पे नितिन गडकरी जी की फ़ोटो, कमल का निशान, वोट मांगने के लिए ये सारे धतकर्म वाली पर्ची बांटी गई और उस पर्ची को लोगों ने पकड़ लिया, उस मशीन को लोगों ने पकड़ लिया और पूरे फर्जीवाड़े को सोशल मीडिया बेनकाब कर दिया। और ये देखना है कि होगा क्या। और एक और वीडियो नितिन गडकरी जी का वायरल हो रहा है जिसमें वो मतदान केंद्रों के ऊपर पहुंच गए और बहुत सी चीज़ें हुई। ये एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ इस मशीन की। तो ये तस्वीर देखिए उस मशीन की और उसमें से जो पर्ची निकली है उस पर्ची की, ये स्क्रीन के ऊपर आपके हैं, नितिन गडकरी जी की तस्वीर है, मतदाता का नाम है, बूथ क्रमांक लिखा हुआ है और एक और नंबर है, उसके बाद मतदान केंद्र का नाम लिखा है, नागेश्वर प्राथमिक शाला जूनी मंगलवारी खोली क्रमांक 3, नीचे लिखा है धन्यवाद नितिन गडकरी कमल। आप सोचिए इतना ज़्यादा उल्लंघन आचार संहिता का होना और इसके ऊपर चुनाव आयोग से शिकायतों पर शिकायतें होकर भी कोई कार्रवाई की उम्मीद ना होना, ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या बता रहा है कि क्या वाकई में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ये एक मतदाता वहाँ पे पूरी पर्ची की एक लड़ी लेके खड़ा हुआ है जिसपे नितिन गडकरी जी की तस्वीरें हैं, कमल का निशान है, उनका नाम है, मतदाता का नाम है, धन्यवाद कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कैसे इस वीडियो पे पूरा इसमें हंगामा हो रहा है। वहाँ पे जहाँ नितिन गडकरी जी के प्रचार प्रसार का काम किया जा रहा था ठीक मतदान के दौरान, ये देखिए वीडियो। निकलने की बोले तो जरूरी है, मेरा वोटिंग कार्ड है, आप मेरे को ना मेरी निकाल के बताओ, मेरा बूथ नंबर क्या है क्या है, आप निकाल के दो ना, ये आपकी मशीन है ना, कागज भी लिख के दूंगी। नहीं नहीं, लेकिन ये मशीन से जो फोटो निकल रही लोगों को दे रहे, अभी तुम प्रचार नहीं कर सकते ना, कागज पे लिख के दो, कागज पे नहीं है, लेकिन मशीन हटाना है ना, बंद करना है ना, उसमें गडकरी साहब की फोटो आ रही, गलत है कि नहीं है, फिर ये क्या चल रहा है आपने, नहीं मेरे को बताओ ना क्या गलत चल रहा है, ये गलत है कि नहीं है, फिर तुम प्रचार कर रहे क्या, आप प्रचार कर रहे क्या, अभी आज वोटिंग का दिन है, आप प्रचार कर रहे क्या, नहीं ठीक नहीं है, गलत नहीं है, क्या बताओ मेरे को, हाँ तो निकालो ना, उससे निकालो ना, अभी ये क्या है, ये नहीं ये क्या है, ये क्या है, दिखाओ ना, ये दिखाओ ना, ये क्या चल रहा है, ये क्या है, नितिन गडकरी जी की फोटो आ रही है, ये गलत नहीं है क्या, हाँ ये गडकरी साहब की फोटो निकाल रहे इन लोग, बराबर ये जो निकाल रहे प्रचार कर रहे, नहीं क्या कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, ये प्रचार कर रहे, गलत नहीं कर रहे क्या आप लोग, ये बंद करो मशीन तुम्हारी, नहीं ये फाड़ के बोले तो ये किससे दिया आपको, मशीन नहीं बंद करो, रुको रुको भैया, ये किसने आपको अथॉरिटी दिया, किसने अथॉरिटी दिया मशीन लगाने की, मेरे को बताओ ना, मेरी बात वो नहीं सुनता मैं, किसी की नहीं सुनता, ये गलत है, गलत है, आप समझे क्या, लोकतंत्र की हत्या कर रहे क्या, लोकतंत्र की हत्या कर रहे तुम लोग, चुनाव को मजाक गजक बना के रखे तुमने, ये क्या है, क्या है, नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये परमिशन है क्या, ये बताओ मेरे को परमिशन है क्या, सभी के पास सोचे, नहीं आपने जो वीडियो देखा इसमें साफ तौर के ऊपर ये रंगे हाथों पकड़े गए जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे लोग, और उसके बाद मजबूरी में उन्हें मशीन भी छोड़नी पड़ी, बाकायदा एक मशीन लेके बैठे थे, उस मशीन में मतदाता जो मतदान करने जा रहे थे उनकी आसानी का नाम लेके पर्ची निकाल रहे थे, ये मशीन के माध्यम से पर्ची निकाल रहे थे, उस पर्ची पे नितिन गडकरी जी की तस्वीर, वोट की अपील ही थी एक तरह से, सारी चीज़ें थी, कमल तक लिखा हुआ था, कमल का निशान बना हुआ था। और क्या इसका मतलब होगा, चुनाव आयोग के अधिकारी भी सब मौजूद होते हैं, लेकिन क्या सत्ता भाजपा की आज चुनाव आयोग से ऊपर हो जाएगी, क्या लोकतंत्र में बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी मान लिया जाएगा कि लोकतंत्र से भी भारी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दर्शा रहा है कि बीजेपी की हवा टाइट है। अगर नागपुर जहां संघ का मुख्यालय है आरएसएस का,
नितिन गडकरी जी जैसा नेता जो बहुत बड़ा माना जाता है बीजेपी में, वो लड़ रहा हो चुनाव, उसकी ये हालत हो गई हो कि ये फर्जीवाड़े करना पड़ रहे हो, तो आप सोच लीजिए उनके बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं का क्या हाल हुआ होगा। और ये यहाँ तक हुआ कि आचार संहिता का उल्लंघन है, चुनाव मतदान के दिन आप प्रचार नहीं कर सकते, और उस मतदान के दौरान मतदाता जो पोलिंग बूथ हैं उनके बाहर गडकरी जी को के ऊपर प्रचार करने के आरोप लगे हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं, इनमें कहा जा रहा है कि ये इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और ये गडकरी जी वो हैं जो कह रहे थे मैं चुनाव प्रचार ही नहीं करूँगा, मुझे चुनाव प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस वक्त से बीजेपी की हालत कितनी खस्ता हुई है कि आखिरी दिन तक जब चुनाव प्रचार पर रोक लगी हुई है तब भी मतदान के दिन भी प्रचार करने को मजबूर है गडकरी जी। ये वीडियो देखिए, अरे इधर आगे पकड़ा। तो ये है, इतनी चिंता आज अगर बीजेपी के इतने बड़े नेताओं को है, गडकरी जी जैसे नेताओं को है, तो गडकरी जी की हालत इतनी ख़राब है तो उनके अलावा बाकियों के क्या हाल होंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ तक के बौखलाहट और डर बीजेपी का इतना बड़ा कि चुनाव आयोग ने ट्विटर से चुनावी पोस्ट हटवाई। आप कल्पना कर सकते हैं, चुनाव आयोग चार पोस्ट हटवाता है, चुनावी पोस्ट जिनके ऊपर ये कहता है कि ये इस पे पोस्टर पर लिखा है मूकनायक के, एलन मस्क की तस्वीर है, कहा चुनाव आयोग ने कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। एलन मस्क की कंपनी ने कहा ये कैसी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उन्होंने हटा दी, पर ये कहा कि हम सहमत नहीं हैं इससे। और बीजेपी के जो ट्विटर हैंडल्स पे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था उसे नहीं हटवाया चुनाव आयोग ने। मैं सवाल पूछ रहा हूँ चुनाव आयोग से कि मतदान चल रहा था देश के 100 से अधिक सीट्स के ऊपर पहले चरण का, और बीजेपी का बिहार का ऑफिशियल अधिकृत हैंडल ट्वीट करता है वोट देने जा रहे हैं पोस्टर के साथ, याद रखिएगा रामलला का मंदिर किसने बनवाया। इससे बड़ा आचार संहिता का उल्लंघन क्या हो सकता है? इस तस्वीर को क्यों नहीं हटवाया गया? इस तस्वीर की शिकायत चुनाव आयोग ने क्यों नहीं की? इस तस्वीर को हटाने की मांग चुनाव आयोग ने एलन मस्क की कंपनी एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करती थी, उससे क्यों नहीं की? इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, जागरूक करना हमारा काम है, जागरूक कीजिए लोगों को, ज़रा व्हाट्सएप ग्रुप से ग्रुप में शेयर कीजिए तमाम जगह पे, ताकि लोग जागरूक हों। जय हिंद, जय भारत। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।